गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक एट बीवीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड द चैप्टर वन ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 11th, दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। पिछली ऑनलाइन क्लासों में अपन ने बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को, और वहां पर अपन ने सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। In today's class, we have discussed the second chapter of our business studies, or that is the forms of business organization. आज अपन अपने second chapter की बात करते हैं, forms of business organization की। तो सबसे पहले अपन बात करें कि introduction की business organizations का मतलब क्या होता है, meaning क्या होता है, business organization होती क्या चीज़। अपन ये कहें कि a business enterprise is an organization which is engaged in some business or कमर्शियल एक्टिविटी, यानी कि ऐसा एंटरप्राइजेस और जो एक ऑर्गेनाइजेशन भी है और जो अपने बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज रहता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऐसा एंटरप्राइजेस जो बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज रहता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? फिर अपन कहते हैं कि एवरी बिजनेस एंटिटी एडॉप्ट सम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि हर एक बिजनेस एंटिटी को अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कैरी करने के लिए कोई ना कोई फॉर्म अडॉप्ट करना जरूरी होता है, कोई ना कोई फॉर्म अडॉप्ट करना जरूरी होता है। तो अपन जब बात कर रहे हैं अपने चैप्टर की फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले अपन ने इसको 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी इसकी है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, सेकेंड में अपन बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस की, और लास्ट है जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। अपन ने बात करी थी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं, फॉर्म्स, और फॉर्म्स की जब बात करी तो इसको मेजर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस में, और जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस में। अब बात करते हैं मीनिंग, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो अपन ये कह सकते हैं कि दोज बिजनेस इंटरप्राइजेस विच मैनेज्ड, कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर नोन एज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। क्या बताया कि ऐसे बिजनेस इंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, विच आर नोन एज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। क्लियर है? प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस इंक्लूड्स दोज बिजनेस इंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेटली एंड इंडिविजुअल आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। क्या बताया कि दोज इंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेटली बाय एन इंडिविजुअल इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। बात करें जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस की, तो जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस इंक्लूड्स ऑल दोज इंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय जॉइंटली प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर आर नोन एज जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। क्या बताया जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस, जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस इंक्लूड दोज इंटरप्राइजेस विच ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय जॉइंटली प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर आर नोन एज जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। अब आगे की तरफ अपन डिस्कस करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस की। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, जैसा कि आपको अभी बताया मैंने, कौन से होते हैं, दोज इंटरप्राइजेस विच ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेटली बाय एन इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी एक इंडिविजुअल जो प्राइवेटली इसको ओन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस है। तो अब प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस की जब बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस को भी अपन मेजर 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड पार्टनरशिप, फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फिफ्थ कंपनी। फर्स्ट कौन सी है, सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड पार्टनरशिप, फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फिफ्थ कंपनी। तो आज की अपनी इस क्लास में अपन ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शन की बात करी,
फॉर्म्स की बात करी और फॉर्म्स को अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस में और जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस में, तीन पार्ट में डिवाइड किया था। तीन पार्ट को अपन ने एक्सप्लेन भी किया था कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होता है, दोज इंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इज नॉन एज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस की जब बात करी थी तो अपन ने कहा था कि दोज इंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेटली बाय एन इंडिविजुअल आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। और जब जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस की बात करी थी तो अपन ने यह कहा कि दोज इंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय जॉइंटली प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर आर नोन एज जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। और अपन ने आगे बात करी थी कि प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस का आगे अपन टॉपिक ले रहे हैं तो उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस को फिर से अपन ने क्या किया है, पांच मेजर पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सी थी, फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, थर्ड पार्टनरशिप, फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और फिफ्थ कंपनीज। अब आगे की नेक्स्ट क्लास अपन बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, अपन बात करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस, मेरिट्स, फंक्शंस, इसकी अपन जब बात करेंगे तो अपनी ऑनलाइन आगे की ऑनलाइन क्लास में अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।